नमस्कार फ्रेंड, मेरी अमीर रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ आलू कटहर दम बनाना शेयर करते हैं, बिल्कुल नॉन वेज स्टाइल में, चिकन स्टाइल में। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। कटहर और आलू को हमने इस तरह से उबाल के ले लिया है। 80% ये उबला हुआ है और कटहर में जो चिपचिपा सा निकलता है लिक्विड, उसे उबालना और निकालना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से हमने आलू और कटहर को ले लिया है, तैयार कर लिया है छील के। इसे हम साबुत ही यूज करेंगे। आलू को एक, प्याज को हमने बड़े बड़े चॉप करके ले लिया है, 2-3 कली लहसुन को भी हमने छील के साबुत ही ले लिया है, इसे हम इसी तरह से यूज करेंगे। और एक टमाटर हमने चॉप करके लिया है, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर लिए हैं, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिए हैं, स्वादानुसार नमक लिए हैं, 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिए हैं, एवरेस्ट का गरम मसाला लिए हैं, चिकन गरम मसाला, जो इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। साबुत गरम मसाला में दालचीनी, अदरक और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, सहजीरा हमने लिया है, और एक प्याज, एक टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5-6 कली लहसुन को पीस के लिया है, 5 से 6 टीस्पून हमने ताज़ा मलाई लिया है, दूध का निकला हुआ घर का। अब कढ़ाई गैस पे चढ़ाते हैं, फ्लेम को हाई रखते हैं और 5 से 6 टीस्पून हम इसमें तेल ऐड करते हैं। तेल थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में चाहिए ताकि सब्ज़ी अच्छा और टेस्टी बने। और आलू और जो हमारा कटहर है, इन दोनों को हम फ्राई करके और निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने इसे फ्राई कर लिया है और इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम कटहर को भी फ्राई कर लेते हैं। तो हमारा आलू और कटहर दोनों करीब करीब पक चुका है। बस इसे 5% और पकाना है, जो हम इसका जब दम हम देंगे तब ये 5% भी पक के तैयार हो जाएगा। अब कुकर में पकाना हम शेयर करते हैं। कुकर चढ़ाते हैं, 5 से 6 टीस्पून हम इसमें तेल ऐड करते हैं। तेल थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में ऐड कर रहे हैं, आप तेल और घी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, घी से इसका फ्लेवर और भी बढ़िया आएगा। तो तेल जब हमारा गर्म हो जाए तो जो हमारा हम हींग ऐड करते हैं और साबुत गरम मसाला ऐड करते हैं, जो हमने रख रखा था इसके लिए अलग से निकाल के। और जब ये ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे, जो हमारा चॉप किया हुआ प्याज था, और इसी में हम लहसुन का जो पीस है 5-6 कली उसे भी ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब ये जब हल्का सा फ्राई हो जाए तो फिर हम टमाटर ऐड कर दे रहे हैं। अब इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। अब जो हमारा मलाई था उसे भी ऐड कर देते हैं। मलाई डालने से इस सब्जी में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है, एकदम क्रीमी तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी सब्जी बन के तैयार होता है, एकदम नॉन वेज स्टाइल में बहुत ही टेस्टी बनता है, लाजवाब। अब इसमें जो हमारा प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन का जो पेस्ट था उसे भी ऐड करते हैं। प्याज हमारा कच्चा था, टमाटर भी कच्चा था, तो अब इसे हम अच्छी तरह से पकाते हैं तेल के अंदर। फ्लेम को आप मीडियम या हाई कुछ भी रख सकते हैं, और इसे जब तक तेल इससे मसाले से अलग ना हो जाए तब तक हम इसे अच्छी तरह से पकाते हैं। जब हमारा मसाला अच्छा तैयार होगा तो हमारी सब्जी भी अच्छी बनेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है और अच्छी तरह से मसाला को तैयार करना है। आलू कटहर का जो सब्जी है, या यूं कर लीजिए कटहर का जो सब्जी है, वो बिल्कुल नॉन वेज स्टाइल में बनता है, तभी ये टेस्टी लगता है। और जो लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं वो इसे खाना बहुत ही पसंद करते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल मसाला तैयार हो गया है, जो हमारा प्याज और लहसुन, अदरक, टमाटर का जो पेस्ट था बिल्कुल पक गया है। तो अब इसमें हम जो हमारा मसाले का पाउडर है उसे ऐड कर देते हैं, और स्वादानुसार जो नमक था उसे भी ऐड कर देते हैं। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। मलाई भी इसमें हमने डाल दिया है,
तो इसमें पर्याप्त मात्रा में तेल हो गया और मलाई से निकला हुआ घी भी हो गया, तो बहुत ही बढ़िया सब्जी बन के तैयार होगा। अब इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। पानी जितना भी आपको तरी रखना हो, जितना इसका लिक्विड को रखना हो, उस हिसाब से आप पानी डाल सकते हैं, एक गिलास, डेढ़ गिलास, एक कप, और उसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद में ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा इसका ग्रेवी तैयार होगा। अब इसमें हम गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर दे रहे हैं। अब जो हमारा आलू और कटहर फ्राई किया हुआ है उसे भी ऐड कर देते हैं। अब हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, 5% पकाना है। तो एक दम लेते हैं, इसे बंद करते हैं कुकर को, और बंद करके बस हल्का सा सीटी बजने जैसा, एक सीटी बजने जैसा आवाज़ आए उसी समय इसको बंद कर देना है। इसमें ज़्यादा सीटी नहीं लगाना, ये पहले से पका हुआ है। तो देखिए ये पक के तैयार हो गया, हमने हल्का सा सीटी लगा था उसी समय बंद कर दिया और इसे खोल लिया। बिल्कुल बढ़िया सा लाजवाब सब्जी तैयार हो गया। आप इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं ताकि इसका कलर बहुत ही बढ़िया आ जाए। डियर फ्रेंड, धन्यवाद।